अगर इस तरह कुछ अच्छे अगर निष्कर्ष निकलते हैं तो उसको हम लोग चर्चा करेंगे। अभी तो ये है कि जो हमारे पास सुविधा जो है, जो हमारे पास टीम है, उनके सपोर्ट लेकर के हम कैसे इसमें हम बॉलीवुड के वर्कर को मदद कैसे कर सकें, इस पर अभी हमें इस पर काम करनी चाहिए। थैंक यू। फिल्म इंडस्ट्री के परिवार के लिए एंड आपके जर्नलिज्म के परिवार के लिए एंड एक छोटा सा हम लोगों ने ये रखा है पुलिस की फैमिली के लिए, जनरल लोगों के लिए नहीं है। हम तकरीबन 800 से ज़्यादा डॉक्टर्स बुला रहे हैं, जिसमें लीलावती, ननावती, बॉम्बे हॉस्पिटल, हिंदुजा, जसलोक, सैफी, वखार्ड, ऐसे तमाम हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स बुला रहे हैं, जो कि आप लोग यहाँ के हैं तो पता है क्योंकि यहाँ के डॉक्टर कितने एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन वहाँ उनको भी हम यहाँ पर लेके आ रहे हैं। और उनके अंदर भी कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर थी, क्योंकि कुछ समय कंट्रीब्यूट करना चाहते थे तो उसका हम समय सदुपयोग आपकी फैमिली के लिए एंड बॉलीवुड की फैमिली के लिए और पुलिस की फैमिली के लिए हम करने जा रहे हैं। Respected people on the chairs here. So I'm very happy to, मैं डॉक्टर 365 की एक हिस्सा हूँ कुछ साल से, और मैं बहुत आई एम वेरी हैप्पी टू सपोर्ट डॉक्टर धर्मेंद्र जी एंड धीरज जी फॉर द लवली इनिशिएटिव दैट दे आर डूइंग। एंड आई थिंक दैट यू नो, जो एक हेल्थ कार्ड स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी जी ने निकाली है, वो हम सबके पास पहुँचती नहीं है, बट डॉक्टर जी के माध्यम से हम सबके पास पहुँच सकती है। तो आई थिंक कि जितने भी लोग इसको बेनिफिट करना चाहें, जैसे आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिलीज और जो लोग इसको सुन रहे हैं उनके फ्रेंड्स, उनकी फैमिलीज, उनके हेल्पर्स, जो भी लोग करना चाहें, तो इट्स गुड कि वो वहाँ जाएं और उस दिन उस कार्ड को ले लें। तो फिर हमें पता नहीं होता कब हम बीमार पड़ते हैं, तब हम उस कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। सो दिस हेल्थ कार्ड इज़ समथिंग दैट इज़ रियली गुड। फाइनली वी गेटिंग एन इंश्योरेंस स्कीम इन इंडिया, लेट्स यूज़ इट। जी बोलिए। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, और यहाँ पर आए सभी अतिथियों को बहुत सारा नमस्कार, और मैं पूरी टीम डॉक्टर 365 जी को बहुत सारा शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और ये इतना अच्छा कदम है, बॉलीवुड महा आरोग्य शिविर, जो बॉलीवुड के लिए बहुत ही लाभदायक है। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, आप सभी मीडिया कर्मियों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि जितना से जितना ज़्यादा हो सके लोगों को वहाँ तक पहुँचाइए जहाँ चित्रकूट ग्राउंड है। हमें तकरीबन करोड़ से ज़्यादा की मेडिसिन मंगा करके और जो डॉक्टर्स एग्जामिन करेंगे और ज़रूरत के हिसाब से जो मेडिसिन लिखेंगे वो अच्छी तरह से दे दिया जाए, ताकि आप लोग आपकी फैमिली खा करके और ठीक हो जाए और खुशहाल हो सके, ये हमारी सोच है। ये डॉक्टर्स के साथ साथ तमाम 8 से 10 तरह के टेस्ट होंगे, HIV, हेपेटाइटिस, ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड शुगर, CVC, सिकल सेल एनीमिया, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये है, जो बहुत एक्सपेंसिव है कुछ, वो सारे टेस्ट की जाएंगे। इसके साथ साथ हड्डियों के जांच के लिए हम लोगों ने BMD टेस्ट मंगाया है, हार्ट की जांच करने के लिए ECG, जो कॉमन चीज़ है जो आप लोगों के मालूम है, ECG टेस्ट मंगवाए हैं। के साथ साथ हमारी कोशिश रहेगी कि जिसको इस एग्जामिनेशन के बाद ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ हमारे डॉक्टर आइडेंटिफाई करेंगे कि इनको किस तरह की ऑपरेशन की ज़रूरत है। वहाँ जिसका नाम एक बार रजिस्टर्ड हो जाएगा, हम सरकार की मदद से उनको ऑपरेशन करा करके और आपके परिवार को खुश करने की हम कोशिश रखेंगे। सोने सूद मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जो हमारी टीम काम करती है उसके 5% वो काम करते हैं, वो उनको खुद मालूम है। अगर आपको कभी मेरे बारे में उनसे पूछना है तो बताए, उनसे पूछेगा कि डॉक्टर धर्मेंद्र और उनकी टीम क्या करती है। वो लाइमलाइट में ज़्यादा रहते हैं, हम लोग लाइमलाइट पे नहीं रह करते हैं। मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि सोनू सूद अच्छा काम नहीं करते हैं, हमारे ही बिरादरी के हैं, हमारे ही भाई हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब, शायद मैं आपको बता दूँ, आपके इससे मैं बताना चाहूँगा अपने जर्नलिस्ट भाइयों को कि सोनू सूद साहब को भी हमने कोशिश की थी, बट आई थिंक ही इज़ आउट ऑफ स्टेशन, तो उसके कारण से वो उनको हम यहाँ बुला नहीं पाए। बल्कि यहाँ पर देखिए, जब प्री इवेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो यहाँ नहीं हैं, तो मैं उन सबके नाम लूँगा तो एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसकी बाइट्स भी आपने शायद नहीं देखी होंगी, जिसमें अनुपम खेर हैं, जॉनी लिवर हैं, धर्मेंद्र जी हैं, सबसे बातें हुई हैं। आप लोगों को मालूम है कि डॉक्टर 365 एंड RKHIV एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर वर्ल्ड के बड़े से बड़े कैंप करने की ताकत अभी तक रखते आई है,
अभी तक तीन एक दिन में 3 लाख से ज़्यादा पेशेंट देख करके हम लोगों ने मैनेज करने में सफलता हासिल की है। ये हम लोग 1 लाख लोगों तक का मैनेज करने की हम लोगों ने प्लानिंग रखी है। फुटफॉल 1 लाख तक भी अगर आते हैं तो हमारी कोशिश रहेगी कि हमारी टीम उसको मैनेज कर सके, जिसके लिए महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री पूरे दिन हमारे साथ उस दिन रहने वाले हैं। और मुझे नहीं लगता है कि हमारी इतने डेडिकेटेड एंड एक्सपीरियंस टीम 1 लाख पेशेंट को मैनेज करने में किसी तरह की असुविधा महसूस होगी कर सके। इसके साथ साथ हमने आई टेस्ट और चश्मे फ्री रखे हैं। तकरीबन हम लोगों ने 30 से 35 हज़ार चश्मे हम लोगों ने प्लानिंग किए हैं, और 500 से ज़्यादा हम लोगों ने व्हीलचेयर, जो जिनको चलने में असमर्थ होते हैं उनके लिए हम लोगों ने व्हीलचेयर ला रहे हैं, और ऑपरेशन जिसको लगता है। इसके अलावा जो मेडिकल केसेस है, जिसको HIV, हेपेटाइटिस या डायबिटीज़ की जिनको अगर बीमारी है, उनको भी आइडेंटिफाई करके उनको कहाँ फ्री में हम उनको सुविधा मुहैया करा सके, क्योंकि एक दिन के ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें लंबा ट्रीटमेंट लगता है, तो लंबे ट्रीटमेंट में उनको कैसे उनके बिना पैसे का हम सुविधा दे सकें, ये हमारी कोशिश है। दूसरा, आपने क्वेश्चन किया कि ये सबके पास मेडिक्लेम है। आप खुद सोच करके देखिए, ये मेडिक्लेम होने के बावजूद भी आज इंडस्ट्री का कुछ तबका, जो लोअर लेवल का तबका, सुसाइड किया है और डिप्रेशन में गया है। इसकी जानकारी मेरे पास ये है कि हमारे रिसर्च हमेशा चलते रहता है, और मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ में मैं अच्छी तरह से जुड़ा हुआ हूँ। तो कहीं ना कहीं ये जैसे मुझे पता चला कि जो उनकी मेडिक्लेम पॉलिसी शायद है या नहीं है, और जितना है वो पूरा नहीं है, जिसके चलते, क्योंकि डिप्रेशन में आर्थिक मंदी बहुत बड़ा रोल निभाती है, तो उसमें हम लोग इस तरह की इतनी अच्छी फैसिलिटी दे करके, उनके पास जो फैसिलिटी है अच्छी बात है, उनका उपयोग ज़रूर करेंगे वो, लेकिन हमारे तरफ से ये एडिशनल एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे करके कोशिश है कि बॉलीवुड को के टीम को हम कैसे स्वस्थ कर सकें, क्योंकि बैक ऑफिस अगर अच्छी तरह स्वस्थ रहेगी तो फिल्में अच्छी बनेगी और अच्छी चलेगी। आपके माध्यम से सबको मैसेज मिल जाएगा, जो लोग हमारे मजदूर भाई हैं जिनके लिए ये किया जा रहा है, उसमें हम लोग सब सहयोग दें, उनके थोड़े दर्द कम कर सकें, यही हमारी कामना है। वाह, थैंक यू वेरी मच।